बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पैसे से नहीं बल्कि बड़े आइडिया से बड़ा होता है। अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका एक यंग लड़का जब ना चाहते हुए भी एमबीए करने का प्लान बनाता है तो यही लाइंस वो किसी लड़की के मुंह से सुनता है तो कैसे उसकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। ये कहानी है एक यंग बिजनेसमैन की जो कि काफी समय में ही आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2010 में आई एंटरप्रेन्योरशिप पर बनी एक इंटरेस्टिंग फिल्म जिसका नाम है बदमाश कंपनी। कहानी शुरू होती है 1994 बॉम्बे से, जहां हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। करण, जिंग और चंदू इन तीनों दोस्तों ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया था। सभी अपनी पढ़ाई के फ्रीडम से बेहद खुश थे। अभी ये तीनों आर्ची नाम के एक स्मगलर की मदद से फ्री में बैंकॉक घूमने जा रहे थे और बदले में आर्ची उनसे अपना कुछ सामान स्मगल करवा रहा था। आर्ची के साथ एक और लड़की काम करती थी जिसका नाम है बुलबुल। फ्लाइट के दौरान ही उन तीनों की बुलबुल से बेहद अच्छी दोस्ती हो जाती है। चंदू तो बुलबुल पर लाइन भी मारता है लेकिन बुलबुल उसे भाव नहीं देती। बैंकॉक में सभी बहुत अच्छा समय बिताते हैं जो उन लोगों ने आज तक एंजॉय नहीं किया था। इसी दौरान करण को पता लगता है कि बुलबुल एक मॉडल बनना चाहती थी और करण की बातों से बुलबुल को पता लगता है कि ना चाहते हुए भी उसे एमबीए करनी पड़ेगी, लेकिन वो जल्द से जल्द अपना कोई बिजनेस करना चाहता है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो जरूर कोई ना कोई बिजनेस करता। उसकी बातें सुनकर बुलबुल उसे कहने लगती है कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन पैसे से बड़ा नहीं बल्कि बड़े आइडिया से बड़ा बनता है। आगे हम करण के घर का सीन देखते हैं। करण के पापा उससे पूछने लगते हैं, आखिर तू सीरियस कब हो रहा है? एमबीए के एंट्रेंस के सिर्फ 2 महीने रह गए। इस पर करण कहने लगता है कि मैं एमबीए नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और इसी बात पर करण के पापा उस पर गुस्सा करने लगते हैं। करण अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ और आखिर में करण के पापा थोड़ा गुस्से में ये कहकर इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं कि आज के बाद तुझे जो करना है कर, मैं तुझे नहीं टोकूंगा। धीरे धीरे करण और बुलबुल एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों अपने रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक से करण के फादर को हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल का खर्चा पूरा करने के लिए करण की मां को अपने गहने तक बेचने पड़ते हैं। ये सब देखकर करण को कहीं ना कहीं अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है और वो फिर से स्मगलिंग का काम करने के लिए आर्ची के पास जाता है। करण के साथ उसके दोस्त जिंग और चंदू भी आते हैं। वो देखता है कि आर्ची फोन पर किसी कस्टम वाले के साथ गुस्से में बात कर रहा था और चंदू के पूछने पर आर्ची बताता है किसी वजह से कस्टम वाला उसका माल नहीं छोड़ रहा। आर्ची हंसते हुए कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीने बाद यही माल मैं ऑक्शन में खरीद लूंगा। उसकी बातों से इन्हें समझ आता है कि जिस माल को कोई भी क्लेम नहीं करता उस माल को लगभग एक महीने बाद नीलाम कर दिया जाता है। यहीं पर जब जिंग अपने लिए कुछ जूते देखने लगता है, यहाँ आर्ची कहता है कि शूज बेहद ही कीमती सामान है लेकिन अगर एक जोड़ी से एक भी शूज खराब या गायब हुआ तो उस एक शूज की कीमत कोई नहीं है, वो किसी काम का नहीं रहता। ये सुनकर करण के दिमाग में एक आइडिया हिट करता है और वो आर्ची से पूछता है कि आखिर शूज पर कितनी कस्टम ड्यूटी है, जिसके जवाब में आर्ची 120% कहता है और अपने इसी आइडिया के बारे में वो बुलबुल को भी बताता है लेकिन बुलबुल उसे डायरेक्ट मना कर देती है। उसी दिन करण बुलबुल को एक रेस्टोरेंट में ड्रॉप करता है जहां वो मॉडलिंग इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिलती है लेकिन उन लोगों के इरादे ठीक नहीं थे। वो बुलबुल से मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ फिजिकल होने के लिए ऑफर करते हैं और उनकी बातें सुनकर बुलबुल को काफी गुस्सा आता है। गुस्से में बुलबुल अपने साथ बैठे एक आदमी की टांग में कैंची घुसाकर वहां से भाग जाती है और इस इंसिडेंट के बाद बुलबुल भी करण के साथ उसके आइडिया पर काम करने के लिए मान जाती है। तो करण बुलबुल और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने आइडिया पर काम करना शुरू करता है, जिसके लिए वो अपने मामा जैज जो कि अमेरिका में रहते हैं उनसे 20 लाख रुपए का लोन भी लेता है। फिर वो चारों बैंकॉक जाते हैं और देश की सबसे बड़ी शू कंपनी रिबॉक के डीलर के साथ एक मीटिंग करते हैं। करण उसे सारे पैसे एडवांस में देकर अगले 3 हफ्ते में ही उसका माल इंडिया में डिलीवर करवाने के लिए मना लेता है लेकिन करण पूरा माल एक ही कस्टम पर न मंगवाकर आधा माल कलकत्ता और आधा माल मद्रास रवाना करवाकर ये तीनों वापस बॉम्बे आ जाते हैं। इसके बाद करण इंतजार करना शुरू करता है और 3 हफ्तों बाद उसे मद्रास और कलकत्ता के कस्टम विभाग की तरफ से कॉल आता है। चंदू को कलकत्ता भेजकर करण बुलबुल को अपने साथ मद्रास ले जाता है। यहाँ ये लोग गेटअप बदल कर आते हैं।
करण ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन जब बुलबुल उनमें से एक जोड़ी शूज पहनकर देखने लगती है तब वो पाती है कि उनके निकाले गए बॉक्स में सिर्फ एक लेफ्ट पैर के ही जूते थे। और जब करण बाकी के बॉक्सेस चेक करता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उनके मंगवाए सभी बॉक्सेस में सिर्फ लेफ्ट साइड के जूते पैक किए गए थे। ये देखकर करण कस्टम के लोगों के सामने ही कंपनी के आदमी को कॉल लगाता है। और जब हम दूसरी तरफ जिंग को बात करता हुआ देखते हैं तब हमें समझ आता है कि ये सब कुछ करण की प्लानिंग का ही हिस्सा है। उसने जानबूझकर कलकत्ता में लेफ्ट और मद्रास कस्टम पर सिर्फ राइट पैर के जूते भिजवाए थे। उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो जूतों पर लगने वाली भारी कस्टम ड्यूटी से बचकर नीलामी में इन जूतों को कम कीमत में खरीद सके। वैसे भी सिर्फ एक साइड के जूते किसी और के लिए तो किसी काम के नहीं होंगे। उधर चंदू भी कलकत्ता कस्टम विभाग में यही नाटक शुरू कर देता है क्योंकि उन बॉक्सेस में सिर्फ राइट पैर के जूते थे। इसके बाद करण बिना साइन किए अपने सभी पार्सल वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। और ठीक एक महीने बाद कस्टम में पड़े अनक्लेम्ड प्रोडक्ट्स की सेल शुरू होती है। ये लोग वहां भेस बदल कर पहुंच जाते हैं और अपने ही शूज कम पैसों में खरीद लेते हैं। कस्टम से माल मिलने के बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और सारा सामान ये लोग एक पुराने घर में छिपा कर रख लेते हैं, जहाँ ये लोग उन सभी पेयर्स को मिलाकर सही करते हैं। जिस जूते की कॉस्ट किसी और को 2000 पर पेयर की पड़ती है, वो जूता इनके पास सिर्फ 1000 में था। और जब ये लोग आर्ची को वो सामान बेचने का ऑफर देते हैं तो आर्ची खुशी खुशी वो जूते इनसे खरीदने के लिए मान जाता है। यहीं पर जब आर्ची उनसे पेमेंट चेक पर नाम लिखने के लिए पूछता है तो बुलबुल कहती है फ्रेंड्स एंड कंपनी। और इस तरह से करण अपनी कंपनी की पहली ही डील में 10 लाख का प्रॉफिट कमा लेता है। अब किसी के पास पैसे की कमी नहीं थी और पैसे का जोश इनके सर चढ़कर बोलने लगा है और ये लोग काफी इंजॉय करते हैं। करण बुलबुल का रिश्ता भी दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था, लेकिन एक दिन करण के पापा उसे अलमारी में कुछ पैसे छिपाते हुए देख लेते हैं और इसके इस काम की खबर उन तक पहुंच जाती है। और जब करण के पापा को ये बात पता लगती है कि शूज खरीदने के लिए उसने अपने जैज मामा से पैसे उधार लिए थे तब वो करण पर काफी गुस्सा होते हैं। इसी के साथ उन्हें ये भी पता लगता है करण इस शहर के नामी स्मगलर आर्ची के साथ मिलकर कुछ काम कर रहा है, तो वो करण को यहाँ से चले जाने को कह देते हैं, जिसके बाद करण गुस्से में अपना घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद से करण बुलबुल के साथ रहने लगता है। हम देखते हैं कि फ्रेंड्स एंड कंपनी अभी भी अपना स्कैम जारी रखते हैं, लेकिन एक दिन करण को एक कस्टम अधिकारी मिलता है जो करण को पहचान लेता है। वो करण को पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था तो करण उसे भी 4% की हिस्सेदारी देकर किसी तरह से उनका साथ देने के लिए मना लेता है। और फिर से ये लोग अलग अलग पोर्ट्स पर ऐसे ही सिंगल साइड के जूते मंगवाने का काम जारी रखते हैं। लेकिन एक दिन करण न्यूज चैनल पर देखता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को लेकर बड़े बदलाव किए, जिसकी वजह से अब इंपोर्ट किए गए घरेलू सामानों पर ड्यूटी रेट्स कम कर दिए गए हैं। और इस बात का पता लगने के बाद ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि इनका ये प्लान अब काम नहीं करने वाला था। और कुछ दिन तक ये लोग ऐसे ही अपने लिए कुछ नया बिजनेस आइडिया सोचने लगते हैं। करण अब अमेरिका जाकर कोई बिजनेस करने का सोचता है। करण कहता है कि डॉलर में पैसे कमाकर डॉलर में पैसे उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। करण का मामा जैज एक अपार्टमेंट में करण और उसके दोस्तों के रहने का इंतजाम कर देता है। करण अपने मामा को उसके स्मगलिंग बिजनेस के बारे में कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन उनसे कुछ ऐसे लोगों के नाम जान लेता है जिनके साथ वो बिजनेस कर सके। आगे करण लेदर ग्लव्स कंपनी के मालिक चार्ली से डील करता है। लास्ट टाइम तक करण चार्ली को ग्लव्स डिलीवर नहीं करता और जब वो चार्ली को ग्लव्स डिलीवर करता है उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो उन ग्लव्स को चेक कर सके। चार्ली भी जल्दबाजी में उन्हें पूरा पेमेंट करके अपने ग्लव्स लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन सिर्फ राइट हैंड्स के ग्लव्स ही चार्ली के पास आए थे। और जब तक चार्ली को इस बात का पता लगता है तब तक फ्रेंड्स एंड कंपनी उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके होते हैं क्योंकि सिर्फ एक तरह के दस्ताने चार्ली के किसी काम के नहीं थे, इसीलिए वो उन ग्लव्स को बेचने के बारे में सोचने लगता है। और फिर जिंग स्क्रैप डीलर बनकर चार्ली से मिलता है और उससे उसी का सामान काफी कम कीमत में खरीद लेता है। इसके बाद ये चारों मिलकर राइट और लेफ्ट ग्लव्स को मिलाकर परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं और चंदू चार्ली के पास जाकर वही ग्लव्स उसी के पास बेच देता है। मतलब उन चारों ने एक ही चीज को 2 बार प्रॉफिट कमाया और एक ही बार में उन लोगों ने $1 million कमा लिए थे। इस तरह से फ्रेंड्स एंड कंपनी अमेरिका में अपना पहला स्कैम करते हैं। अब तो उन चारों की लाइफ किसी राजा की तरह थी। डिजाइनर कपड़े, 5-star होटल्स, ब्रांडेड गाड़ियां, अब सब कुछ उनके पास था। एक दिन करण बार बार कसीनो में पैसे हार रहा था तो बुलबुल करण को ऐसे ही पैसे बर्बाद करने से मना करती है, लेकिन करण बुलबुल पर गुस्सा करके उसे वहां से भेज देता है। यहीं पर जिंग की लिंडा नाम की लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अपनी आदत से मजबूर होकर जिंग खूब शराब पीता है, जिसके बाद उसे कसीनो से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बार हारने के बाद करण का दिमाग भी खराब हो चुका था और वो गुस्से में एक बॉस की तरह चंदू को ऑर्डर देता है कि वो जिंग को होटल रूम में छोड़कर आए। यहाँ पर करण के स्वभाव में अहंकार नजर आ रहा
रहा था, वो खुद को उन सबका बॉस मानने लगा था। धीरे धीरे करण के बिजनेस का पता पुलिस को भी लग चुका था, जिसके बाद पुलिस करण के मामा को फोन करने लगी थी, लेकिन करण हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने मामा को समझा देता था। आगे करण अपना अपने नए आइडिया पर काम करना शुरू करता है। करण का प्लान था कि वो $1,00,000 बैंक से लोन लेकर एक घर खरीदेंगे और वहीं पर अपने ही दोस्तों को $2,00,000 में बेचेंगे, लेकिन इस बार भी वो घर खरीदने के लिए भी बैंक से लोन लेंगे। यहीं पर बैंक से लोन बार बार लेकर बार बार एक दूसरे को बेचते रहेंगे उससे डबल कीमत पर, और आखिरकार किसी एक आदमी से बैंक को लोन का पैसा न देने पर बैंक वो घर अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन घर का असल प्राइस तो $1,00,000 ही है। इस तरह से करण एक बार फिर से काफी सारे पैसे बना लेता है। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक पार्टी में जिंग नशे में लिंडा के साथ झगड़ा करता है और उसे फिजिकल अब्यूज भी करता है। चंदू ने ये बात पहले भी काफी बार नोटिस की थी कि जिंग कभी कभी लिंडा की कदर नहीं करता था। जिंग के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था और लिंडा पर हाथ उठाने की वजह से चंदू और जिंग के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। करण लड़ाई को रोकना चाहता था, लेकिन करण के बात करने का रवैया देखकर जिंग इस कंपनी को छोड़कर चला जाता है। और कुछ देर बाद घर पर एक ऑफिसर आता है जो बुलबुल को बताता है कि करण ने सिटीजनशिप के लिए एक लड़की से शादी की है। ऑफिसर के जाने के बाद बुलबुल इस बारे में करण से सफाई मांगती है। बुलबुल से ये बात सहन नहीं हो रही थी कि करण ने ग्रीन कार्ड के लिए उसे बिना बताए किसी और से शादी कर ली। करण की बातों में अब उसे भी घमंड नजर आने लगता है, जिस वजह से बुलबुल भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद ही चंदू करण से मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि अब लिंडा और वो रिलेशनशिप में है। इसके साथ ही वो करण को समझाता है कि अब वो उसके साथ और कोई गलत काम नहीं कर सकता, और काम छोड़ने की बात सुनकर करण गुस्से में चंदू को काफी बुरा भला बोलता है। आगे हम देखते हैं कि करण अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जिसके बाद वो अपने परिवार से मिलने के लिए वापस इंडिया जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी ईमानदार बाप का सामना कर सके। उसे समझ आता है कि भले ही उसके डैड की सैलरी कम थी, लेकिन उनकी कमाई एक भी पाई बेईमानी की नहीं थी, और वो अपने परिवार से बिना मिले ही वापस अपने मामू के पास अमेरिका लौट आता है। वापस लौटकर करण अपने मामा को अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ सच बता देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण को पुलिस उसके स्मगलिंग के लिए अरेस्ट कर लेती है। उसके किए गए इलीगल बिजनेस को नॉर्मल केस बनाने के लिए उसे अपनी इनकम में से 70% सरकार को देना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी बुलबुल जेल में आकर अपने जिंक के और चंदू के पैसे करण को लौटा देती है, और वो गुस्से में करण को उससे दूर रहने का कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद करण की सजा कम हो जाती है। 6 महीने जेल में काटने के बाद करण अपने मामा जैस की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रेस्टोरेंट में बुलबुल अचानक से करण को मिलती है, जहां करण को उसकी प्रेगनेंसी की बात पता लगती है। बुलबुल भी पिछले कुछ दिनों से करण पर नजर रख रही थी, और उसकी ईमानदारी देखकर बुलबुल को समझ आता है कि अब वो सुधर चुका है, जिसके बाद बुलबुल भी उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और एक दिन मामा को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है। क्लाइंट्स मामा की शर्ट्स नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि जैस ने काफी महंगी कीमत में कुछ शर्ट्स मंगवाई थी, लेकिन धोने पर उन शर्ट्स का कलर निकल रहा था। शर्ट्स को बेचने के लिए करण के पास एक प्लान था, लेकिन मामा उसके प्लान से डर रहे थे, कहीं करण फिर से कोई गलत रास्ता ना ले। ऐसे ही सोचते सोचते करण को अपने दोस्त चंदू की याद आती है। उसे याद आता है कि चंदू की वाइफ लिंडा माइकल जैक्सन के साथ एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करती है। करण चंदू से मिलने के लिए जाता है और मिलकर उससे माफी मांगता है। अब उसे इस बात का एहसास था कि वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों अपने तीसरे दोस्त जिंग से मिलते हैं, जिसने अब अपना खुद का बार खोल लिया था। लेकिन चंदू और करण ये जानकर हैरान होते हैं कि उसने अब शराब पीना छोड़ दिया है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। पहले तो करण जिंग को अपनी सारी सेविंग्स अपने जैज मामा की कंपनी के शेयर्स में लगाने को कहता है। फिर करण अपने मामा के सामने सेम शर्ट को वॉशिंग मशीन में डालता है। सबसे पहले वाली को करण एक बार और दूसरी वाली को दो बार, और इसी तरह से सातवीं शर्ट को 7 बार धोता है, और निकालने के बाद उन सभी शर्ट्स का कलर अलग अलग निकलता है। इसके बाद करण अपने मामा के क्लाइंट्स के पास जाता है और वो अपनी सेल्स स्पीच इस तरह से रखता है कि अगर कोई भी मिडिल क्लास आदमी हमारी शर्ट खरीदेगा तो उसे हर बार धोने पर एक ब्रांड न्यू शर्ट पहनने को मिलेगी, क्योंकि हर बार धोने पर इस शर्ट का कलर चेंज हो जाता है। और कुछ देर सोचने के बाद वो क्लाइंट्स उनके कुछ शर्ट्स खरीदने के लिए मान जाते हैं, लेकिन अभी तो उनका 10% माल भी नहीं बिका था, क्योंकि लिंडा माइकल जैक्सन
जैक्सन के साथ काफी सालों से काम कर रही थी, इसीलिए लिंडा के कहने पर माइकल जैक्सन अपने किसी शो में करण की दी गई शर्ट पहन लेता है और न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर उस शो की फोटो आने के बाद से इनकी रंग बदलने वाली हर जगह आग की तरह वायरल हो जाती है। हर कोई वही शर्ट खरीदना चाहता था, जिसके बाद जैस को उस शर्ट के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं और हर कोई उन्हीं की शर्ट पहन रहा था, जिसके बाद से जैस की कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ने लगते हैं और सही समय पर करण जिंक को शेयर्स बेचने के लिए कह देता है और फाइनली फ्रेंड्स एंड कंपनी ईमानदारी से अपना पहला प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो जाते हैं। चारों दोस्त फिर से मिलकर अपनी ईमानदारी की कंपनी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि करण अब अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है और अपने बेटे की ईमानदारी के रास्ते पर चलता देख उसके डैड बेहद खुश थे। करण भी अब अपने दोस्त, पेरेंट्स और अपनी बुलबुल और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी और सुकून की लाइफ जीने लगता है।